हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ट्राइबल रिवोल्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में दो ट्राइबल रिवोल्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, संथाल और बिरसा मुंडा मुंडा रिवोल्ट। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताना भगत मूवमेंट, उसके अलावा कोल, भूमिज और हो एंड मुंडा। तो बाकी मूवमेंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जितने भी मूवमेंट और मेन लीडर जो है उन सब का नाम आप एक लाइन में याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए। ताना भगत जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? 1914 में स्टार्ट किया गया था ओरियन के द्वारा। ओरियन एक ट्राइबल है, उनके द्वारा किया गया था। उरौन भी इसको बोल देते हैं कहीं कहीं पे। तो ताना भगत मूवमेंट जो था एक टाइप का भगत मूवमेंट था। तो ये आप नाम से ही पता चलते हो, जो भगत वर्ड है वो बोला जाता है, थोड़ा सा रिलीजियस मूवमेंट बोला जाता है। रिलीजियस, ठीक है ना? रिलीजियस कैसे? क्योंकि ये बात करते थे हमेशा वन गॉड की। वन गॉड का मतलब क्या होता है? एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद, इसको मोनोइज्म भी बोलते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मांस मदिरा को खत्म करो पूरी तरह, ऐसा नहीं यूज होना चाहिए। ट्राइबल जो डांस होता है उसको बैन किया जाए, और झूम कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन ही होती है कि जमी जंगल को काट के और फिर कल्टीवेट करो फिर से उगाएगा, ऐसे वाला बात, ठीक है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, उसका इस एरिया में नाम झूम बोला जाता था। तो झूम कल्टीवेशन को प्रमोट करने की बात किया जाता था। कई लोग इसको बिरसा मुंडा जो मूवमेंट था ना उसी का एक्सटेंशन मानते थे, लेकिन इनिशियली बिरसा मुंडा भी रिलीजियस मूवमेंट था, लेकिन वो बाद में क्वासी मिलिट्री और या क्वासी पॉलिटिकल मूवमेंट भी बन गया था। इनके सबके जो हेड थे, जो ताना भगत मूवमेंट के हेड थे, उनका नाम था जत्रा भगत। जत्रा भगत, जत्रा भगत, जत्रा भगत के साथ क्या किया? 1916 में इनको जेल हो गया, 1917 में इनको रिलीज कर दिया गया, और उसके बाद कुछ समय बाद आकस्मिक रूप से इनका डेथ हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में ये भी तो मैं पता है कि ये काफी ज्यादा रिलीजियस मूवमेंट था। तो जो भक्ति मूवमेंट था ना, भक्ति मूवमेंट, उसको इन्होंने फॉलो करते थे, उस मूवमेंट को ये लोग फॉलो करते थे। तो क्या क्या याद है ना, जो ट्राइब है उनका भी नाम याद हो गया, ओरियन, जत्रा भगत इसको स्टार्ट किए थे। जत्रा भगत इम्पॉर्टेंट लीडर थे इसके। मेन इनका एम क्या था, इनिशिएट क्या करना चाहते थे? बिरसा मूवमेंट को के एक्सटेंशन इसको मानते थे। 1916 में इनका जत्रा भगत की डेथ हो गई, जेल डाल दिया गया, 1917 में रिलीज, फिर डेथ हो गया। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना महात्मा गांधी जी का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 वाला, उसको इन्होंने सपोर्ट किया। ताना भगत जो मूवमेंट था उनको इन्होंने सपोर्ट किया। उसके अलावा 1922 का जो गया सेशन था, 1923 का जो नागपुर वाले सेशन था, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट किए। तो समझ रहे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ये रिवोल्ट वाला था, नहीं, रिवोल्यूशनरी रहता तो बार बार ये, मतलब क्योंकि ऐसा अगर मिलिट्री एंगल होता, मिलिट्री वाला एंगल होता, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में बार बार बैठते नहीं, क्योंकि इनको फिर भरोसा नहीं ना होता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ कर भी पाएगा या नहीं, फिर ये अपना रूप चलते जैसे बिरसा मुंडा जी ने किया था। ठीक है, तो इनको सिस्टम पे भरोसा था, सेशन में बैठते थे। बाद में 1940 के आस पे ये जो ग्रुप था वो गांधी जी को इवन डोनेट भी किए, जब गांधी जी डोनेशन मांग रहे थे उस समय, ये बात याद रखना। तो क्या क्या याद रखना? नाम याद रखना, जत्रा भगत 1914 में स्टार्ट हुआ, और ऑब्वियसली खिलाफ किसी होगा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ होगा, लैंडलॉर्ड के खिलाफ होगा, खिलाफ तो वही होंगे ना, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होंगे उसके खिलाफ होगा। तो हमें पता चल गया जात्रा भगत के बारे में पता चल गया, और ताना भगत मूवमेंट था जात्रा भगत। नेक्स्ट मूवमेंट है हो और मुंडा मूवमेंट। ये जो ये किसके द्वारा किया गया? जो जनजातियां रहती थी छोटा नागपुर में उनके द्वारा किया गया। 1820 से स्टार्ट हुआ, 1820 से 22 तक चला, फिर से 1931 में फिर से स्टार्ट हुआ, और ये डिस्टर्ब एरिया 1937 तक रहा। ठीक है ना, डिस्टर्ब रहा ये एरिया 1937 तक।
किसके खिलाफ थे? ऑब्वियसली ये लोग खिलाफ होंगे किसके? ब्रिटिशर्स के, मनी लेंडर के, जमींदार के। ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि ब्रिटिशर्स या जो और भी मनी लेंडर इनके एरिया में, जो सिंघभम वगैरह वाला एरिया है, जो झारखंड वाला एरिया है, वहां पे आप लोग जो एंट्री कर चुके हो, इसको हटो, इसको छोड़ो, यहाँ पे नहीं रहो, या ये हमारा जगह है। मेन तो इन लोगों को अपना लैंड राइट का मेन दिक्कत होता था ना, क्योंकि ब्रिटिश ने जैसे ही जंगल को अपना स्टेट प्रॉपर्टी मानना शुरू कर दिया था, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। क्योंकि जिस जगह को ये लोग अपना समझते थे, जहाँ पे रहते थे ये लोग, उस जगह पे कोई और आके कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मेन लीडर थे हो एंड मुंडा रिवोल्ट पे, उनका नाम है राजा परहत। राजा परहत तो किसके खिलाफ है? ऑब्वियसली मनी लेंडर, ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यू पॉलिसी उसके खिलाफ थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते कोल अपराइजिंग की बात करते। ये भी छोटा नागपुर वाले एरिया में हुआ था, छोटा नागपुर वाला एरिया में। ठीक है, क्यों? क्योंकि बार बार हो क्या रहा था, ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए एक तो अपने लैंड कुछ लेते थे, और उसके अलावे जो आउटसाइडर होते थे उसको भी लैंड बांटते थे, लाइक मुस्लिम को, सिख को, इन लोगों को भी लैंड बांटते रहते थे। क्लियर? तो ये लोग जो कोल वाले समुदाय थी, जो जनजाति थी, जिनके हेड थे बुद्धू भगत, ये बुद्धू भगत ये नहीं चाहते थे कि ये जमीन किसी आउटसाइडर को मिले। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये तो उस जमीन को अपना मानते थे, उस पे अपने जैसे खेती करना है वैसे करते थे। अब वो ये जमीन किसी आउटसाइडर को ये लोग दे देंगे, तो एक तो इनका जो अपना रिलीजियस सेंटिमेंट है वो हर्ट होगा, क्योंकि हो सकता है किसी जगह पे ये लोग, क्योंकि ये जंगल को भगवान वगैरह मानते थे, किसी प्लांट को, मान लो किसी प्लांट में ये इनका रिलीजियस फेथ था, और ब्रिटिशर्स को वही प्लांट पसंद आ गया, तो प्लांट को बार बार काटेंगे, और ये लोग ऐसा चाहते नहीं है, तो ये लोग को गुस्सा नहीं है, यही हो रहा था बार बार। ठीक है ना, तो ये जो कोल मूवमेंट था मेनली कुछ एरिया में फेमस था, जैसे रांची, सिंघभम, उसके बाद हजारीबाग, प्लामू, और मानभूम का वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, उसके बाद भूमिज रिवोल्ट की बात करते हैं। इसको लेड कौन कर रहे थे? गंगा नारायण लेड कर रहे थे। और इसमें ये कौन कौन एरिया में था? सिंघभूम और बीरभूम वाले एरिया में था, सिंह भूम और बीरभूम। ठीक है, और इसमें यहाँ पे जो अपराइजिंग का मेन कारण था, गंगा नारायण लीड कर रहे थे, मेन कारण था ब्रिटिश की रेवेन्यू पॉलिसी, लेकिन बाद में गंगा नारायण जी के डेथ होने के होने के बाद ये मूवमेंट शांत हो गया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज करते हैं ट्रिक। ठीक है, अब देखो, हो एंड मुंडा रिवोल्ट के किन किन के साथ नाम हम जोड़ते हैं? राजा परहत, उसके बाद कोल, बुद्धू भगत, उसके बाद भूमिज, भूमिज गंगा नारायण, ताना भगत, चाहे उसे बोले मुंडा, ये तो याद करने की जरूरत है नहीं, बिरसा मुंडा, इसके लिए आपके लिए ट्रिक नहीं लाऊंगा, और ताना भगत, जात्रा भगत, उसके बाद संथाल, सिद्धू कान्हू, ये स्टोरी है। देखो, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि महात्मा बुद्ध घर से बाहर निकल गए थे, और बाद में उन्होंने ट्रूथ को जानने के लिए, दुख क्या है इन सब बातों को जानने के लिए उन्होंने सन्यासी की तरह मतलब साधना करना शुरू किया था, ये सब हमें पता है। तो अब क्या हुआ, जब इसको स्टोरी के तरफों में, या जब कोल, इसको हम कूल भी बोल सकते हैं, जब कूल बुद्धा
को ताना परा तो देखो, ध्यान से सुनना, देखो यहां से आप याद कर सकते हो पहले वाला कूल कोल बुद्धो भगत। जब कूल बुद्धा मतलब बुद्धा पहले कूल थे, उनको ताना पड़ा मतलब मे बी उनको घर से ताना पड़ा होगा कि आप क्या कर रहे हो, बैठे हुए हो तो आप घर से निकलो, कुछ काम करो। तो ताना पड़ा तो कहाँ पे निकल गए, यात्रा पे, मतलब हम बोलते हैं ना यात्रा पे निकल गए। तो अब यहाँ पे देखो, ताना भगत यात्रा भगत कोल बुद्धू भगत, ये दोनों याद हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया अपना, क्योंकि जब लोग नया कुछ काम शुरू करते हैं तो मुंडन करवाते हैं, तो राजाओं से मुंडन करवाया। राजाओं, राजाओं उस बंदे का नाम है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं राजा हो मुंडन, ये याद करवा लिया, राजाओं से मुंडन करवाया। तो हो एंड मुंडा में राजा पर है, ठीक है। और देखा कि भूमि पे गंगा बह रही थी, तो भूमि पे गंगा यानी भूमिज वाला गंगा नारायण, तो वहां पे वो शांति से साधु की तरह बैठ गए, मतलब शांति यहाँ से शांति और साधु की तरह बैठ गए, क्लियर। ये तो आपको याद करने की जरूरत है बिरसा मुंडा। तो एक बारी और देख लेना, जब कोल बुद्धा को ताना पड़े तो यात्रा पे निकल गए, पहले राजाओं से मुंडन करवाया और देखा कि भूमि पे गंगा बह रही थी, वहां पे शांति से साधु की तरह बैठ गए। यही इस क्लास का मेन मकसद था कि ट्रिक याद कर लो, यही क्वेश्चन पूछता है। और बाकी जो मूवमेंट है ना वो हम या तो मॉडर्न हिस्ट्री में करने वाले, क्योंकि ये बिहार स्पेसिफिक ही कुछ थे जो बिहार वाले बुक में दिया हुआ था, क्लियर। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है बीपीएससी का, तो आप इस नंबर पे फोन मैसेज कीजिएगा। आपको 2 मंथ में हम लोग का प्लान है, 1 फैब से 31 मार्च तक। लेकिन हम लोग का ये जो लोग 68 में भी है ना, उसके लिए भी वो उतना ही फायदा करेगा, वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो जो लोग, क्योंकि ये इसका हम लोग टेन्योर थोड़ा बढ़ा देंगे, 68 वाले के लिए भी रहने देंगे। तो जो 68 बीपीएससी में भी ज्वाइन करना चाहता है ना, वो भी आराम से इसको ज्वाइन करना सकता है। और इंडिविजुअल बुक भी है, चाहे जीएस पॉइंटर या सार संग्रह एनसीईआरटी का, या क्राउन की बुक है इस, और एक एक हम 10,000 MCQ का हम कोर्स इसी में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब में से कोई इंडिविजुअल भी कोर्स ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ ये 10,000 MCQ में पीसीएस और यूपीएससी से रिलेटेड, जैसे पीसीएस जितने भी पीसीएस उनके क्वेश्चन, यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन, यहाँ पे वही क्वेश्चन सिर्फ होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं, आप इस नंबर पे मैसेज करना ज़्यादा बात के लिए, मैं वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।